तो वर्ल्ड वॉर जेड डायरेक्ट किया है मार्क फॉस्टर ने, जिसमें है मेन हीरो ब्रैड पिट, ब्रैड पिट का नाम है इसमें जेरी। जेरी एक रिटायर्ड यूनाइटेड नेशन का एम्प्लॉय और उसके घर में हैप्पी फैमिली वाइफ चल रही है। वो बच्चों को कुक करके दे रहा है, वाइफ को किस कर रहा है कि वो बच्चों और वाइफ को छोड़ने के लिए जाता है कार में से, और ट्रैफिक लगाया है वहां पर, वो ट्रैफिक में अटक चुके हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि ज़ॉम्बी आने लगते हैं सभी तरफ से, आगे से ज़ॉम्बी, पीछे से ज़ॉम्बी, ऊपर से ज़ॉम्बी, नीचे से ज़ॉम्बी, और ज़ॉम्बी आने लगते। इन सभी के बीच में वो फैमिली को इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक मूव करता रहता है। फाइनली उनको एक जगह मिलती है एक नेवी के शिप में जो अटलांटिक ओशन में है, क्योंकि वो डेप्यूटी जनरल से बोलता है। तो डेप्यूटी जनरल क्या बोलता है, हमारे फैमिली को यहाँ पर ज़्यादा टाइम रुकना पसंद है, तो तुम्हें जाना पड़ेगा क्योर फाइंड करने के लिए। वो बोलता है जॉन विक के विलन की तरह, एवरीथिंग हैज इट्स प्राइस। डेप्यूटी जनरल फिर से बोलता है आई डोंट केयर कि तुम रिटायर्ड हो, तुम्हें लेकिन जाना पड़ेगा क्योर फाइंड करने के लिए। और फिर ब्रैड पिट चाहता है क्योर फाइंड करने के लिए जेरी से, और सबसे पहले इंडिया से ये पता चला कि ज़ॉम्बीज आने वाले हैं, इसलिए हमने एक वॉल बना दी। तो यहाँ पर जेरूसलम, यहाँ पर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ज़ॉम्बीज साउंड से अट्रैक्ट होते, साउंड से आते, और उस साइड पर ज़ॉम्बी एक खुद की लैडर बना रहे, ह्यूमन लैडर जैसे रहते, एक पर चढ़ के। यहाँ पर वो ज़ॉम्बी लैडर बना रहे एक पर चढ़ के। और फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो जेरूसलम में घुस जाते, बहुत सारे लोग मर जाते। तो जेरी और एक उसकी फीमेल आर्मी फ्रेंड, तो उसकी हालत खराब हो चुकी है, और फिर वो दोनों फिर से जाते क्योर फाइंड करने के लिए। तो ये बहुत ही कमाल की स्टोरी लाइन थी, इसकी एक सेकंड आपको बोर नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ थ्रिलिंग सीन्स है। और जो क्यूअर फाइंड करने के लिए जाते तो थोड़ा बहुत रेसिडेंट ईविल की तरह फील आता है। तो वर्ल्ड वॉर जेड तो कमाल की थी, अगर आपने नहीं देखी होगी तो वो देख लो।